3.7 वोल्ट की बैटरी ले लो ऐसा दोस्तों। उसके बाद ऐसे लकड़ी ले लो और ये लकड़ी को यहाँ पर ग्लू गन डाल दो। ग्लू गन को राउंड से डालना है जिससे एकदम अच्छे से प्रॉपरली चिपक जाए, और साइड से इधर थोड़ा ज़्यादा लगा देना है। उसके बाद बैटरी को इसे चिपका देना है, बैटरी चिपक जाए अच्छे से। इसके ऊपर साइड साइड में भी लगा देना है क्योंकि प्रॉपरली पकड़ ले बैटरी ही लेना। और उसके बाद इधर भी लगा देना है कि हाथ में पकड़ने का बनेगा। दोस्तों यहाँ पर लग गया दोस्तों, देख सकते हो। ऐसा मोटर ले लेना है, डीसी मोटर। इस मोटर को यहाँ पर बीच में लगाना है, सुपर ग्लू गन को इधर डाल देना है एकदम गोल राउंड में। थोड़ा डाल देता हूँ, थोड़ा गाढ़ा पकड़ लेगा मस्त। उसके बाद यहाँ पर इसको डाल देना है, इसको इस साइड नीचे करके वहाँ पर अच्छे से प्रॉपरली दबाकर चिपका देना है, ये चिपक जाए। और इसके बाद यहाँ पर अच्छे से इसको रख दो, बैठा दो साइड पे, और ग्लू गन इधर भी डाल देना और इस साइड भी डाल देना है जिससे मोटर ना इधर आए ना उधर जाए। उसके बाद इसका बटन लेना है, ऑन ऑफ का बटन लेना है, यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद आपको सब सुपर ग्लू ले लेना है, सुपर ग्लू को यहाँ डाल देना है। उसके बाद इसको चिपका देना है, तो प्रॉपरली इसको दबा के एकदम अच्छे से बैठा देना है। ये प्रॉपरली चपक जाएगा तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से व्यवस्थित। उसके बाद सब ब्लेड ले लेना है और पेन ले लेना है। तो ब्लेड नया नया ब्लेड ले लिया हूँ दोस्तों, देख सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पर फिटिंग करना है पेन के अंदर, तो ऐसे फिटिंग करना है। मैं इसके ऊपर ग्लू गन डाल देता हूँ जिससे प्रॉपरली ये मस्त ऊपर नीचे पकड़ लिया है। अब बहुत अच्छे से गोल गोल राउंड घूमेगा। अभी पहले मैं वायर को एकदम ज्वाइन कर लेता हूँ, बैटरी का वायर माइनस और बटन का वायर माइनस दोनों को ज्वाइन कर दिया हूँ। उसके बाद वहाँ पर मोटर का डीसी मोटर और एक वायर बटन में जोड़ देना है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसका ज्वाइन कर दिया हूँ। ऐसा रेड कलर का टेप ले लेना है जिससे आपको जो भी टेप अच्छा लगे आप वो टेप ले सकते हो। मुझे रेड कलर का टेप अच्छा लगता है इसलिए मैंने रेड कलर का टेप ले लिया है। अब यहाँ पर इसको मैं टेप लगा देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा और जो वायर फालतू वायर है वो अंदर दब जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा इतना काम हो गया है। और एक वायर और बचा है, उसको वहाँ साइड से जोड़ देता हूँ बैटरी के प्लस में। ये हमारा काम वहाँ पर सुरक्षित हो गया। अब इसको भी ऐसे टेप की मदद से इसको भी चिपका लेते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो और बैटरी अच्छे से चले और वर्किंग करे मोटर भी। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अब जो ये वाला वायर बचा है खुला है, इसको मोड़ कर ऊपर की ओर खींच लेना है और टेप की मदद से निकाल कर। टेप निकल नहीं रहा यार, बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे यार निकल गया, फिर से यहाँ से टूट गया। फिर से इसको चिपकाना पड़ेगा, बहुत मजबूती से इसको चिपकाना पड़ेगा जिससे ये हिले ना। और ये हमारा काम हो गया है फाइनली, और देख सकते हो ये टेप चिपक गया है। उसके बाद इसको इसके अंदर लगा देना है, मैं तो लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे से लग भी गया है। ओ वाह, बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा है दोस्तों, देख सकते हो। अभी अच्छा है, मैं घास काट रहा हूँ, थोड़ा फंस जा रहा है, बारिश भी हो रही है इसलिए, तो फटाफट कर रहा हूँ। ये अच्छा वर्क कर रहा है दोस्तों, आप भी